मकसद वो ये था कि इस मुल्क में 131 लोकसभा सांसद एससी और एसटी और 45 या 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कमोबेश 200 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, इनके रहते हुए हिंदुस्तान के मुसलमानों का और हिंदुस्तान के दलितों का शोषण हो रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग पार्लियामेंट में इनकी समस्याओं को लेकर के नहीं बोलते हैं। हम चाहते हैं कि इनको हराएं, इनके सामने एक विकल्प और एक पर्याय तैयार करें ताकि उनको हम पर्सन दे सकें, और हम पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को भेजना चाहते हैं जो मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़े, जो दलित समाज की लड़ाई लड़े। मुझे ऐसा नेतृत्व, ऐसा सांसद मुझे नहीं चाहिए जो बीजेपी की दलाली कर रहा हो, जो कांग्रेस की दलाली कर रहा हो, जो समाजवादी का दलाली कर रहा हो, जो बीजेपी की दलाली कर रहा हो। 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदुस्तान से एससी एसटी और मुसलमान जीत करके जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी नहीं, इस मुल्क का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ठोकरों से उसको हम दौड़ा करके मार सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि सियासी एतबार से हमें इकट्ठा होना है, तकरीरी बातों से हम बात फाइनल नहीं कर सकते हैं। एक अलायंस हो, एक संगठन हो, उस संगठन में विभिन्न धर्म के लोग हों, वो आए मिले और एक पर्याय तैयार करें कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उड़ीसा के किसी मंदिर में गए थे, उनको बाहर रखा गया। प्राइम मिनिस्टर बना करके आप क्या करें? कभी साहब ने कहा कि हम इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दलित समाज का बना सकते हैं। सबसे बड़ा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, उसको मंदिर के बाहर रखा गया। क्या इस मुल्क में विरोध हुआ? क्या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बगावत की? क्या किसी ने जन आंदोलन किया? या किसी एनजीओ के लोगों ने मुखालफत की कि ये क्या मनवादी व्यवस्था क्यों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का जो सर्वोच्च पद पर होता है उसको मंदिर के बाहर रोका जा रहा है, क्या इसकी मुखालफत नहीं होनी चाहिए? कोई नहीं कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। ये इस व्यवस्था को हमें रोकना है। और ये कब होगा? बाबा साहब ने कहा कि सियासी प्लेटफॉर्म बनाओ और अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाओ। मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूँ, दो मिनट की बात और करता हूँ। बाबा साहब ने आज़ादी के बाद कहा था कि सभी राजनीतिक दल को खत्म कर दिया जाए और खासतौर पर कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में इस मुल्क की लड़ाई लड़ी गई, मुल्क आज़ाद हुआ, उसमें हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग नुमाइंदगी कर रहे थे, खाली कांग्रेस वाले नहीं कर रहे थे। आज उसका बार बार वो कह रहे हैं कि हमने आज़ादी दिलाई, हमने आज़ादी दिलाई। आपने आज़ादी नहीं दिलाई, इस मुल्क का एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, एक एक सिख, एक एक ईसाई ने मिल करके मुल्क की आज़ादी दिलाई। बाबा साहब अम्बेडकर वही चाहते थे कि कांग्रेस खत्म करो और अपने अपने बिहाफ पर, अपने अपने टैलेंट पर पार्टी बनाओ। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं माने, पंडित नेहरू नहीं माने। उनको मालूम था कि आने वाली जनरेशन को हम बेवकूफ बना करके लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ करके और बार 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 हम सत्ता का लोभ लेते रहेंगे। और यही वजह है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, उनकी बेटी प्राइम मिनिस्टर, उनका पोता, उनका नवासा प्राइम मिनिस्टर, अभी राहुल गांधी जिसको लोग पप्पू कहते हैं, मैं कहता हूँ कोई क्वालिटी नहीं है राहुल गांधी के अंदर, कोई क्वालिटी नहीं है। है राष्ट्रीय स्तर की क्वालिटी है उनके अंदर? अगर होता तो मुझे लगता है कि सब राजनीतिक दल के लोग मिल करके उसको लीडर मार लेते और मोदी के सामने खड़ा कर देते, लेकिन क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी हम अपनों में से तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। और एक संगठन बनाने की जरूरत है, एक सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत बनाने की जरूरत है। अगर ऐसा हो सका तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकेंगे। अशोक ज्ञानी जी, मैं एक निवेदन करूंगा आप लोगों से कि हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है दिल्ली, जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रिफॉर्मिस्ट के लोग हैं, उनके साथ मुझे बात करने से मैं जाना चाहता हूँ माफ़ी के साथ में। लेकिन अज्ञानी साहब, मैं आपके साथ में हूँ, मुझसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए काम करेंगे। ये अलायंस बनाइए, इस अलायंस में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और हम हिंदुस्तान में तकरीबन बताइए सर कम से कम 50 कैंडिडेट तो हम लड़ा रहे हैं, ये सी एस टी और मुसलमान हम 50 कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। इसमें अगर आप लोग क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या समर्थन दे सकते हैं, आप लिस्ट तैयार कर आइएगा। आपको जो भी बीजेपी से समर्थन मैं बता दूं, रिपब्लिकन आप सुन लीजिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रिफॉर्मिस्ट मेरी है। जिस दिन रामदास अठावले साहब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया है उसी दिन हमने बगावत की है और हम चले गए हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रिफॉर्मिस्ट वजूद में आई है और इसको आए हुए 4 साल हुआ है। जिस दिन उन्होंने अलायंस किया है उसी दिन हम चले हुए हैं और हमने पार्टी बनाई है और पार्टी राष्ट्रीय समाधान नौकर साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो संतोष बंसोड़े साहब आए हुए हैं, मुझे मालूम था कि ये बिले माफ देने वाले हैं। इसलिए आपको मैं बता दूं कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम कांग्रेस के साथ नहीं है, हम किसी उस पार्टी के साथ नहीं है जो इस मुल्क के अमन को छीनना चाहता है, इस मुल्क में चैन नहीं लाना चाहता है, इस मुल्क में लोगों को लड़ा करके आपस में देश को बर्बाद करना चाहता है। ऐसे लोगों के साथ हम बिल्कुल नहीं है।
एक असर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करते तो चर्चा नहीं होता। राम वाले की बात।